ये कहते हैं ना, जब आप पहली पहली बार इश्क में पढ़ते हो तो सबसे पहले एक दूसरे से वो पूछते हो कि तुम्हारा सबसे फेवरेट चीज़ कौन सी है, कलर कौन सा है, फूड कौन सा है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर लिखा था कि वैसे तो हम कुछ भी नहीं जानते। कहते ना, दुनिया का सबसे समझदार शख्स वही है जो ये जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं उसे जानता तो नहीं लेकिन जानता हूँ उसकी सब पसंदीदा वस्तुओं को, जानता हूँ सब अभाव को, आभास को, जानता हूँ उसे क्या पाकर खुशी मिलेगी और क्या खोने पर उसका हृदय उदास होगा। जानता हूँ उसके प्रेम को, एहसास को और हर जज्बात को, जानता हूँ उसके प्रेम को, एहसास को और हर जज्बात को, हाँ जानता हूँ उसकी सब परेशानियों को, सब मनमानियों को, जानता हूँ उसकी सब परेशानियों को, सब मनमानियों को, जानता हूँ उसकी खूबसूरत, कहते ना सूरत तो सबकी होती है, सीरत किसी किसी की खूबसूरत होती है, जानता हूँ उसकी खूबसूरत सीरत को और मूरत को, जानता हूँ उसकी आँखों को और उन आँखों की मस्ती को, जानता हूँ उसकी आँखों को और उन आँखों की मस्ती को, जानता हूँ उसके अंदर मेरी जान बस्ती को, जानता हूँ उसके अंदर मेरी जान बस्ती को, जानता हूँ जीवन के सब रंगों को, पतंगों को, जानता हूँ जीवन के सब रंगों को, पतंगों को, लेकिन इसके बावजूद। वो कहते हैं जब जन्मदिन आता है, कोई फेस्टिवल आता है, तो पूछते हैं तुम्हें क्या उपहार चाहिए, सब कुछ जानते हुए भी कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं जानती, लेकिन इन सब के बावजूद अक्सर पूछता हूँ मैं कि तुम्हें क्या चाहिए, इन सब के बावजूद अक्सर पूछता हूँ मैं कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं ये सब जानता हूँ और जानकर भी अनजान बना जाता हूँ। और हाँ, मैं जानता हूँ असलियत तो लास्ट में यही है ना कि कोई कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि रोज़ हर कोई बदलता रहता है, तो किसके बारे में क्या कोई गेसेस कर पाएगा। और हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं जानता कुछ भी नहीं और जानता खुद को भी नहीं, खुद की तलाश में हर कोई जा रहा होता है। और अब अगली एक बार तालियां बजा करके कृपया, थैंक यू। और एक कहते हैं ना, हर किसी का एक ख्वाहिशों का आसमान होता है कि कोई भी जाता है हर एक तरह की चीज़ों को सोच रहा होता है। जैसे अब मैं भी कई बार दिल्ली घूमने जाता हूँ तो सबके होता है ना कि ये कंपनी बनी हुई है, ये भी मैं कभी किस कंपनी में काम करूँ, कोई कहता है कि मेरी कंपनी मेरी हो, ऐसा हो वैसा हो, तो वो सब इस चीज़ को एक रियलिटी और एक जो ख्वाहिशें और ख्वाब उसको कैसे जोड़ा है देखना। कि आज फिर मैं एक बार दिल्ली घूमने को गया, आज जो दिल्ली गए हैं वो रिलेट कर पाएंगे, मेट्रो में जिस जिसने ट्रैवल किया है सब चीज़ों को। आज फिर मैं एक बार दिल्ली घूमने को गया, आज फिर कुछ ख्वाहिशें कुछ ख्वाब, आज फिर कुछ ख्वाहिशें कुछ ख्वाब अपनी जेब में डाले, मेट्रो की खिड़की से बाहर दिखती ऊंची इमारतों में से जाने कितनी अपने नाम पर लिखी और कितनी ही कंपनियों को यूं ही मैंने अपने नाम पर लिख दिया। सोचने को तो बंदा कुछ भी सोच सकता है, सोचने को क्या है, हमेशा कुछ बड़ा सोचना चाहिए। मेट्रो की खिड़की के बाहर दिखती ऊंची इमारतों में से जाने कितनों को अपने नाम पर कर लिया और कितनी ही कंपनियां अपने नाम पर लिखी और कितनी ही ऊंची गाड़ियों को छोटी बताकर, कोई ना कोई कमी बताकर, नहीं ये ब्रेकरों में अट जाएगी, ये ऐसे होगा वैसे होगा कुछ भी, और कितनी ही ऊंची गाड़ियों को छोटी बताकर खरीदने से इनकार कर दिया कि नहीं ये तो चाहिए ही नहीं। और फिर अब असलियत सुनना कि असलियत क्या है, उस समय कैसे जी रहा था। और फिर 52 सीटर हरियाणा रोडवेज की बस में सीट ना मिलने पर खड़ा खड़ा ही अपने शहर को लौट आया। और ये कई बार ताज्जुब होता है ना कि कोई किसी कहता ना मेरी औकात से बाहर मुझे मिल गई, तो वो सब कैसे किसी कोई लिखता है, तू इजाज़त दे दो बात कहूँ तेरी खिदमत में, खिदमत होता है किसी की रेस्पेक्ट में किसी की, तू इजाज़त दे दो बात कहूँ तेरी खिदमत में, क्या लफ्ज लिखूँ तेरी सुंदरता तेरी इस्मत में, तू इजाज़त दे दो बात कहूँ तेरी खिदमत में, क्या लफ्ज लिखूँ तेरी सुंदरता तेरी खिदमत इस्मत में, तू मिल तो गई है मुझको तो ये ताज्जुब है, मैं कैसे लिखूँ अब तुझको अपनी किस्मत में।
शुक्रिया शुक्रिया। अब ये दो शेर मेरे लिखे नहीं हैं, लेकिन वैसे ही सुबह मैं पढ़ रहा था तो मुझे अच्छे लगे। मैंने करवट बदल कर देखा है, मैंने करवट सोते हुए करवट बदल कर देखा है, या तुम उस तरफ भी आते हो। नींद आएगी भला कैसे उसे शाम के बाद, नींद आएगी भला कैसे उसे शाम के बाद, रोटियां भी ना मयस्सर हो जिसे काम के बाद। ये किसी और की लिखी है तो उसी के उसमें बोल रहा हूँ। मेरे बेटे कभी इतने ऊंचे मत होना, इतने ऊंचे मत होना कि कंधे पर सिर रखकर कोई रोना चाहे तो उसे लगानी पड़े सीढ़ियाँ। कि कभी इतने ऊंचे मत होना, इतने ऊंचे मत होना कि कंधे पर सिर रखकर कोई रोना चाहे तो उसे लगानी पड़े सीढ़ियाँ। न कभी इतने बुद्धिजीवी कि मेहनत कशों के रंग से न कभी इतने बुद्धिजीवी कि मेहनत कशों के रंग से अलग हो जाए तुम्हारा रंग। ना इतने तमीज़दार कि बड़े लोगों की नाफरमानी ना कर सको कभी, कि बड़े लोग अगर गलत भी बोले तो उन्हें तुम कुछ पलट कर ना कह सको। ना इतने तमीज़दार होने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि गलत कोई भी हो सकता है। ना इतने तमीज़दार कि बड़े लोगों की नाफरमानी ना कर सको कभी, इतने सभ्य भी मत होना, इतने सभ्य भी मत होना कि छत पर प्रेम करते कबूतरों का जोड़ा तुम्हें अश्लील लगने लगे और कंकड़ मार कर उड़ा दो उन्हें बच्चों के सामने से। इतने सभ्य भी मत होना कि छत पर प्रेम करते कबूतरों का जोड़ा तुम्हें अश्लील लगने लगे और कंकड़ मार कर तुम उड़ा दो उन्हें बच्चों के सामने से। ना इतने सुथरे कि मेहनत कशों से कमाए हुए कॉलर का मैल कि मेहनत कशी से कमाए गए कॉलर का मैल छुपाते फिरो दूसरों से। और इतने धार्मिक भी मत होना, इतने धार्मिक भी मत होना कि ईश्वर को बचाने के लिए इंसान पर जय उठ जाए तुम्हारा हाथ। इतने धार्मिक भी मत होना कि ईश्वर को बचाने के लिए इंसान पर उठ जाए तुम्हारा हाथ। न कभी इतने देशभक्त कि घायल को उठाने के लिए झंडा जमीन पर ना रख सको, न कभी इतने देशभक्त कि घायल को उठाने के लिए झंडा जमीन पर ना रख सको। कभी इतने स्थाई मत होना, कभी इतने स्थाई मत होना कि कोई लड़खड़ा जाए तो अनजाने ही फूट पड़े हंसी। किसी के गिरने पर हंसना मत कि कोई अगर लड़खड़ा जाए तो अनजाने ही फूट पड़े हंसी। और न कभी इतने भरे पूरे कि किसी का प्रेम में बिलखना और भूख में मर जाना लगने लगे गल्प। किसी का प्रेम में बिलखना और भूख में मर जाना लगने लगे अल्प। थैंक यू।